गौतम बुद्ध, जिन्हें शाक्यमुनि भी कहा जाता है, भारत के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। ज्ञान और करुणा की शिक्षाओं को फैलाने में समर्पित उनका जीवन आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की यात्रा थी। एक कहानी, एक अविश्वसनीय यात्रा की, सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध तक की। राजकुमार होते हुए भी सिद्धार्थ गौतम का जन्म खुले आसमान के नीचे प्रकृति की गोद में एक पेड़ के नीचे हुआ था, लेकिन उन्हें भौतिक सुखों में कोई रुचि नहीं थी। वे जीवन के गहरे रहस्यों को जानना चाहते थे। एक रात सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलकर दुनिया को देखा। उन्होंने दुख, दर्द और मृत्यु को देखा। इस दृश्य से वे बहुत दुखी हुए और इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का संकल्प लिया। उन्होंने वेदों, उपनिषदों का अध्ययन किया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। लेकिन उन्हें जीवन के मूल प्रश्न, दुख का कारण क्या है और उससे कैसे मुक्ति मिल सकती है, का उत्तर कहीं नहीं मिला। यह जिज्ञासा उन्हें और भी परेशान करने लगी। अंत में उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना महल, अपना परिवार, अपना सब कुछ त्यागने का फैसला किया। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की तलाश में भटकते रहे। उन्होंने कई तपस्वियों और सन्यासियों से मुलाकात की, कठोर तपस्या की और विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें अभी भी वह अंतिम सत्य नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। भारत के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा गांव गया, जो जीवन के लिए नहीं बल्कि मृत्यु की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, पिंडदान के नगर के रूप में। वहां एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। कई दिनों और रातों तक वे ध्यान करते रहे। अंत में एक वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। इसीलिए उस स्थान को बोधगया कहा जाता है। भगवान बुद्ध काशी से सारनाथ की यात्रा कर रहे थे। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। एक दिन 60 वर्ष की आयु में भगवान ने एक उपशाखा, सहायक ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने सभी भिक्षुओं को उपशाखा बनने का अवसर दिया। सभी भिक्षु उपशाखा बनने के लिए उत्सुक होकर खड़े हो गए, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। उसका नाम आनंद था। भगवान ने आनंद से पूछा कि क्या वह उपशाखा बनना चाहता है। आनंद ने कहा कि वह भगवान का उपासक बन सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह थी कि यदि कोई भी आनंद को भोजन का निमंत्रण देता है और आनंद स्वीकार करता है, तो भगवान भी उस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। दूसरी शर्त यह थी कि भगवान आनंद को अपने भोजन से भोजन नहीं देंगे। तीसरी शर्त यह थी कि भगवान आनंद को उन स्थानों पर नहीं ले जाएंगे जहां उन्हें भोजन का निमंत्रण मिलता है। चौथी शर्त यह थी कि भगवान आनंद को सबसे अच्छा भोजन नहीं देंगे। पांचवी शर्त यह थी कि आनंद भिक्षा मांगने के बाद जो कपड़े लाएगा वही पहनेगा। भगवान ने आनंद की सभी शर्तें मुस्कुराकर स्वीकार कर ली। यह कहानी भगवान बुद्ध और आनंद के बीच अनोखे संबंध को दर्शाती है। आनंद भगवान का समर्पित उपासक था और उसे भौतिक सुखों की कोई लालसा नहीं थी। आनंद की शर्तें यह सुनिश्चित करती थीं कि कोई भी ईर्ष्या न करे और यह सोचे कि उसने भगवान के साथ रहने के लिए यह काम किया है। बुद्ध की जीवन यात्रा गंगा के बीच और निचले क्षेत्र से मिथिला और नेपाल तक फैली हुई थी। वे यात्रा करते थे और ज्ञान साझा करते थे। वे चातुर्मास और वर्षा ऋतु को छोड़कर यात्रा करते थे, जिसे बुद्ध का वर्षावास कहा जाता था।
एक वर्षावास बेलुवा गांव में, जो वैशाली की बाहरी सीमा पर स्थित है, बुद्ध की अंतिम यात्रा का प्रारंभिक बिंदु था। बुद्ध मुस्कुराए और अपने दृढ़ संकल्प के साथ खुद को ठीक किया और अगले चरण चपलचैत्य पहुँचे। बुद्ध जानते थे कि उनका निधन इस दुनिया के लिए और विशेष रूप से उनके शिष्यों के लिए एक सदमा होगा। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे दुख से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे वे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। उनके शब्दों में ज्ञान और करुणा का अद्भुत संगम था। उन्होंने चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और निर्वाण जैसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझाया। महापरिनिर्वाण की घोषणा। बुद्ध को ज्ञात था कि उनका जीवन समाप्त होने वाला है। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया और उनसे कहा, आनंद, यदि तुम मुझसे अनुरोध करो कि मैं इस धरती पर रहूं, तो मैं जब तक यह धरती रहेगी यहां रहूंगा। आनंद स्तब्ध रह गए। वे बुद्ध के शब्दों का अर्थ समझने में असमर्थ थे। बुद्ध ने दो बार फिर वही बात दोहराई, लेकिन आनंद चुप रहे। बुद्ध का निर्णय। बुद्ध ने स्वयं कहा, अगर मैं अभी महापरिनिर्वाण ले लूं, तो यह मेरे भिक्षुओं के साथ अन्याय होगा। मेरा कर्तव्य है कि जाने से पहले मैं उन्हें अपनी अंतिम शिक्षा और आशीर्वाद प्रदान करूं। उनके अंतिम शब्द थे, सभी चीजें क्षणभंगुर हैं, उनमें आसक्ति न रखो। बुद्ध ने घोषणा की कि वे 3 महीने के अंदर महापरिनिर्वाण स्वीकार करेंगे। यह खबर वैशाली में तेजी से फैल गई। लोगों को लगा कि वे बुद्ध को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। बुद्ध की इस अंतिम यात्रा में पूरा शहर उनके पीछे पीछे चला। लोगों की इतनी भीड़ के साथ चलना संभव नहीं था। बुद्ध लोगों को वापस लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन लोग उनके महापरिनिर्वाण से बहुत दुखी हैं और वापस लौटने को तैयार नहीं हैं। इसलिए बुद्ध उन्हें संकेत के रूप में अपना भिक्षा पात्र देते हैं, वह मिट्टी का भिक्षा पात्र जो पिछले 45 साल तक उनके साथ था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण तय हो गया था, जो अगले 3 महीनों में होगा। अब लौटना संभव नहीं था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अलविदा कह दिया और वैशाली से निकल गए। कुछ ही हफ्तों में वे पावा पहुंच गए, वहां से भंटगाम, हाथीगाम, भोगनगर और भंगम, और वहां एक आम के खेत में वे स्थायी हो गए। पावा मालास की दूसरी राजधानी थी। चुंद एक प्रतिष्ठित व्यापारी और भक्त अमराया के आम के जंगलों में रहते थे। जब उन्हें पता चला कि भगवान बुद्ध वहां पधार रहे हैं, तो वे उत्साह से भर गए और उनसे मिलने गए। चुंद ने भगवान बुद्ध को अगले दिन के भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, जिससे चुंद अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन भगवान बुद्ध भोजन के लिए चुंद के घर गए। चुंद ने उनके स्वागत के लिए भव्य भोज का आयोजन किया था। मेज पर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे। भगवान बुद्ध ने सभी व्यंजनों का स्वाद लिया, लेकिन उन्होंने केवल थोड़ी मात्रा में खाना खाया। भोजन खाते ही वह समझ गए थे कि यही भोजन मेरे महापरिनिर्वाण का कारण बनेगा। भगवान ने चुंद को बुलाया और कहा, हे चुंद, तुम मेरे लिए पहले से भी अधिक प्रिय हो। चुंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, मेरे जीवन में 2 भोजन सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। एक सुजाता का दिया हुआ, जिसने मुझे ज्ञान प्राप्ति में मदद की, और दूसरा तुम्हारा दिया हुआ, जो मुझे महापरिनिर्वाण प्राप्त करने में मदद कर रहा है। बुद्ध ने अपने साथियों को आराम करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। कुशीनगर की शांत रात्रि में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को आदेश दिया, कुशीनगर के राजाओं को सूचित करो कि बुद्ध महापरिनिर्वाण लेने जा रहे हैं। शांत वातावरण में गूंजी इस घोषणा ने सोए हुए शहर को जगा दिया। महापरिनिर्वाण की मुद्रा में विराजमान आधी रात में नगरवासियों की भीड़ साल के पेड़ों के जंगल में जमा हो गई। साल वृक्षों के जंगल में दो वृक्षों के बीच भगवान लेटे हुए हैं। उनका शरीर चमकने लगा और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उनका सिर उत्तर की ओर और मुख पूर्व की ओर था। एक हाथ उनके सिर के नीचे था, मानो कोई थका हुआ शेर विश्राम कर रहा हो। यह महापरिनिर्वाण मुद्रा थी जो आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। महाकाश्यप की प्रतीक्षा। बुद्ध महाकाश्यप की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय महाकाश्यप कुशीनगर में नहीं थे। जैसे ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, एक भूकंप सा आया और कुछ देर बाद जब धरती शांत हुई, साल के पेड़ों पर अचानक फूल खिल उठे। ये फूल बुद्ध के पार्थिव शरीर को ढक गए। यह प्रकृति का विस्मयकारी प्रदर्शन था, मानो यह महान व्यक्ति को अंतिम विदाई दे रहा हो। दर्शन और अंतिम संस्कार। बुद्ध के शरीर को 7 दिनों तक दर्शन के लिए रखा गया। जैसे ही खबर फैली, दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए और अंतिम प्रणाम करने के लिए कुशीनगर पहुंचने लगे। कुशीनगर माला साम्राज्य का हिस्सा था और माला लंबे समय से बुद्ध के समर्थक और उपासक थे। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के शिष्यों ने उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया। चंदन की लकड़ी की चिता बनाकर उस पर बुद्ध के शरीर को रखा गया था। अनिरुद्ध ने बताया कि बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य महाकाश्यप 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बुद्ध के अंतिम दर्शन के लिए आ रहे थे। भगवान अपना अंतिम प्रसाद चाहते थे, जो महाकाश्यप और उनके भिक्षुओं के आने के बाद ही किया जाना चाहिए। अंत में जब महाकाश्यप और उनके 500 भिक्षु वहां पहुंचे, तो उन्होंने बुद्ध के निर्देशों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। महाकाश्यप ने श्मशान की चिता को जलाने के लिए मशाल ली, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बुद्ध की चिता उनके दाह संस्कार से पहले ही जलने लगी थी। यह कोई आम आग नहीं थी, यह आग बुद्ध के शरीर को जल्दी से जलाना चाहती थी। तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश ने बुद्ध की चिता को बुझा दिया, लेकिन तब तक बुद्ध का शरीर जल चुका था। अंत में भगवान के शरीर का एक हिस्सा बच गया, जिसमें उनके 4 दांत, कंधे के नीचे 2 हड्डियां, ढेर सारी राख और क्रिस्टल्स शामिल थे। अगली सहस्राब्दी, अगले 1000 साल बौद्ध धर्म का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुद्ध ने कभी खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं घोषित किया, न ही उन्होंने खुद को ईश्वर कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह मेरा मार्ग है और मेरा पीछा मत करो क्योंकि मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं जो कहता हूँ उसका अनुभव करो और उसके बाद ही इस पर विश्वास करें। बुद्ध का जीवन और सिद्धांत 3 स्तंभों पर आधारित थे, नैतिक आचरण, शील, एकाग्रता, समाधि और प्रज्ञा पन्ना।